दोस्तों लद्दाख में जिस प्रकार से माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, उस हिसाब से कब भारत और चाइना का युद्ध छिड़ जाए इस चीज का अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन अगर चाइना ने युद्ध किया तो ड्रैगन का जबड़ा फाड़ने के लिए भारत का एक ऐसा हथियार तैनात है दृश्य तरीके से चाइना की हालत को खराब कर सकता है, मिनटों में चाइना की सेना को तबाह कर सकता है। तो बड़ी बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, चाइना तो नहीं बल्कि पाकिस्तान इस हथियार से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ है। इस हथियार के नाम से ही पाकिस्तान युद्ध में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये हथियार चीन की सेना को सिर्फ चंद सेकंडों में तबाह कर सकता है। आखिर दोस्तों ये हथियार कौन सा है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जल्दी फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मान लीजिए कि चाइना चारों तरफ से भारत पर हमले के पूरे प्लान में भारतीय सीमा पर घुसना चाहता है, पर उसके टैंक मिसाइलें सभी की सभी तैनात हैं और समुद्र से उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्रिगेट को डिस्ट्रॉयर को भेज दिया, आसमान में उसके फाइटर जेट गरज रहे हैं और अचानक एक बिजली सी कड़क होती है और ये सभी के सभी हथियार मात्र चंद सेकंडों में तबाह हो जाते हैं। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के काली वेपन के बारे में, एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दोस्तों यहाँ पर भारत ने एक काली नाम का वेपन तैयार कर दिया है और ये इतना ज्यादा सीक्रेट है, बार लोकसभा में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी से पूछा गया तो उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस हथियार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हथियार के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसी कारण से पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरीके से काली वेपन से वाकिफ है, क्योंकि ऑपरेशन व्हाइट वॉश में पाकिस्तान के 150 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। चीन में इतना खतरनाक बर्फीला तूफान इस वेपन ने उत्पन्न किया था कि पाकिस्तान की पूरी हालत खराब हो गई थी। अगर दोस्तों चाइना ने भी ऐसी गलती की तो चाइना का बिल्कुल पाकिस्तान जैसा होगा, पीएलए सेना को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद सेकंडों में ये इतनी तीव्र इतनी तेज छोड़ती है कि उस तरंग से बड़े बड़े हथियार सिर्फ आग के गोले में नजर आएंगे। जब पीएलए सेना ने लद्दाख में कोई भी चालाकी करने का प्रयास किया तो भारत का ये हथियार उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों काली के बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए कमेंट